आज हम जा रहे हैं फॉरएवर की ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पे स्टेशन पे आ चुके हैं, यहाँ से हम अभी रवाना हो रहे हैं। देख सकते हैं आपको सारा मज़ा मिलेगा। ट्रेनिंग के दौरान जितनी भी चीज़ें सिखाई जाएगी वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो अभी पूरी पैकिंग वगैरह सारी हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है, अभी निकल रहे हैं और मिलते हैं आगे सफ़र के अंदर। तब तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, आप लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिएगा। तो मिलते हैं चंडीगढ़ के अंदर। आप देख सकते हैं बीकानेर के स्टेशन पे बहुत शानदार स्वच्छता रखी हुई है। जीवन में एक बार ऐसा टाइम आया है कि इन्हीं ट्रैक पे लगातार 7-8 महीने ट्रेनें नहीं चली थी इन्हीं ट्रैक पे। ऐसा शायद जीवन में पहली बार ही हुआ होगा। तो अभी के बज गए सुबह के 6 और हम बठिंडा पहुंच चुके हैं। गाड़ी के अंदर थोड़ी खुराक डलवा लेते हैं और सफ़र जारी है चंडीगढ़ का। बने रहिएगा इस ब्लॉग के अंदर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की ट्रेनिंग के अंदर। चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं, कुछ समय के बाद चंडीगढ़ आ जाएगा और फिर दिखाते हैं आपको ट्रेनिंग के अंदर मजा आने वाले दोस्तों। तो अपने अभी पहुंच गया होटल जहाँ से अपनी ट्रेनिंग होगी। आप देख सकते हैं बहुत शानदार होटल है ये, 5-स्टार और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। फाइनली पहुंच चुके हैं अपने और आप देख सकते हैं बहुत शानदार इवेंट होने वाले हैं। कुछ क्लिप्स अगर पॉसिबल होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कितना शानदार एक वाइब्रेशन है, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप यहाँ तक बने रहिए, मैं धन्यवाद करूँगा। आगे भी थोड़ा सा बने रहिए। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. मुझे जो इस बिजनेस के अंदर लेके आए थे मेरे मेंटोर गुरु मिस्टर कुलदीप सिंह ढिल्लों, इनकी बदौलत मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आया और मैं इनका जीवन भर कृतज्ञ रहूँगा। सर दो पॉइंट बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ करके मैंने पिछले 9-10 साल के अंदर 18 से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है।
जो भी मेरे सपने थे वो सारे के सारे यहाँ से पूरे हुए, और आज मेरी टीम के अंदर पूनम जी जैसे बहुत सारे डायमंड। और तो ये जो लोग देख रहे, जितने भी लोग आप देख रहे, क्योंकि हम यहाँ पे मैनेजर मीटिंग है, मीटिंग के अंदर आए हुए हैं मैनेजर एंड अबव, तो जितने भी लोग आप देख रहे हैं ये सारे लोग सिक्स फिगर अर्नर हैं। जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे लोग सिक्स फिगर अर्नर हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। जितने भी लोगों को आप देखेंगे, सारे लोग, जितनी भी फेस हैं वो सारे लोग सिक्स फिगर अर्नर हैं दोस्तों। कर लिया है और एक पार्ट और है ट्रेनिंग का भी, उसके बाद सीधा निकलते हैं बीकानेर। बने रहिएगा और ये ज़रूर बताना कि ये ब्लॉग आपका पहला कैसा लगा, क्योंकि ये अपना पहला एक्सपीरियंस।
सेशन कंप्लीट हो गया है और अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। सेशन पूरा बहुत शानदार गया, मजा आ गया। तो दोस्तों अभी हम दीपक ढाबा पहुंच गए हैं, यहाँ से चाय चूय पियेंगे और हार्डली 2-1 घंटे का रास्ता और है, फिर हम गंगानगर पहुंचेंगे, फिर वहाँ से बस पकड़ के सीधा बीकानेर आ जाएंगे। और आप इस ब्लॉग के अंदर यहाँ तक बने रहे, मज़ा आ रहा है, और कैसा लगा ये ब्लॉग बताना ज़रूर कमेंट करके। अभी चाय का वेट कर रहे हैं, यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। आप कभी आओ चंडीगढ़ रोड पे दीपक ढाबा। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. अजय दोस्तों अभी बठिंडा पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा एक ब्रेक और लिया है बठिंडा के अंदर, जल्दी जल्दी चलते हैं। आप देख सकते हैं बठिंडा शहर आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। दोस्तों जैसे ही बठिंडा से निकले यहाँ बहुत ज़्यादा फोग हो गई, इतनी ज़्यादा कि आगे विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे हमें अपनी गाड़ी को 30-35-20 के आसपास चलाना पड़ा, फिर आगे जाके हम रुक गए, फिर किसी ट्रक के पीछे कैसे भी करके, यानी कि 120 किलोमीटर का सफ़र हमने लगभग 3.5 घंटे में क्रॉस किया, जो हार्डली 1.5 घंटा लगता। आप देख सकते हैं तो अभी रात के 3 बज चुके हैं और जहाँ हमें 1 बजे पहुँचना था वहाँ 3 बज चुके हैं, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा थी और जो यहाँ पे 1.5 बजे बस आने वाली थी वो अभी भी 1/2 घंटे बाद का बोल रहे हैं, देखते हैं कब आएगी। धुंध बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से लेट हो गए लगभग 2-3 घंटे। अभी गंगानगर के स्टेशन पे खड़े, बस स्टैंड पे खड़े, तो अभी 5 बजे हैं, 5 बजे हमें बस मिली है, मतलब जो 12:30 बजे बस चलने वाली थी वो 5 बजे मिली। अंदाज़ा लगा सकते हैं 4.5 घंटे लेट, लगभग 1.5 घंटा और लगेगा पहुंचने में, और बाकी धुंध को देखते हुए कितना भी टाइम लग सकता है। तो अब फाइनली अभी पहुंचे हैं, तो फ्रेंड आ रहा है अपना गाड़ी लेके, ये रही अपनी गाड़ी, यहाँ से जाएंगे अभी गांव। तो दोस्तों घर पे पहुंच चुके हैं, रास्ते के अंदर काफ़ी इन्जॉयमेंट भी किया, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई, और कुल मिला के ये चटपटा ब्लॉग बन गया है और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो ये ज़रूर कमेंट के अंदर आप बताना कि मेरा